हेलो गाइस, वेलकम टू बिंटू शूट्स। मेरा नाम है राहुल और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी से मार्च 2018 तक टॉप सेलिंग स्मार्टफोन्स के बारे में ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि जो टॉप सेलिंग स्मार्टफोन है पूरे वर्ल्ड में जनवरी से मार्च 2018 में, उसमें टॉप फोर स्पोर्ट्स एप्पल के आईफोन के हैं। दोस्तों नंबर वन फोन है आईफोन एक्स, जो कि सबसे महंगे स्मार्टफोन्स में आता है और वही टॉप सेलिंग स्मार्टफोन है जनवरी से मार्च में। 1 करोड़ 60 लाख आईफोन एक्स सेल हुए हैं इस टाइम के बीच में। नंबर टू पे आपका आ जाता है आईफोन 8, जिसके कि 1 करोड़ 25 लाख यूनिट सेल हुए हैं। नंबर तीन पे आ जाता है आईफोन 8 प्लस, जिसके 83 लाख यूनिट सेल हुए हैं। दोस्तों नंबर चार पे है आईफोन 7, जिसके 56 लाख यूनिट सेल हुए हैं। तो टॉप चार स्पोर्ट्स एप्पल को जाने के बाद अब फाइनली नंबर फाइव पे आ जाता है पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन, जो कि है शाओमी का रेडमी 5A, जो शायद सबसे कम प्राइस में सबसे बढ़िया स्मार्टफोन अगर किसी को चाहिए तो वो यही है। तो देखिए कमाल की बात, नंबर वन पे सबसे महंगा स्मार्टफोन है आईफोन एक्स और नंबर फाइव पे फिर सीधा जो सबसे कम प्राइस का सबसे बजट में बढ़िया फोन है रेडमी 5A है, वो आ जाता है। नंबर छह पे आ जाता है सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस, जिसके की 53 लाख यूनिट सेल हुए हैं। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं दोस्तों देखने वाले। पहली बात तो कि ओवरऑल 34 करोड़ 50 लाख करीब फोन सेल हुए हैं जनवरी से मार्च 2018 में ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इसमें से करीब 5.5 करोड़ आपके फोन्स यही हैं टॉप सिक्स वाले, यानी कि हर 7 में से 1 फोन इन्हीं टॉप 6 की लिस्ट में से सेल हुआ है। कि जो सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस आपको इतना नीचे नंबर 6 पे दिख रहा है, उसका एक रीज़न ये भी है कि सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस मार्च 2018 में ही लॉन्च हुआ था। तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस की सेल 1 महीना या शायद उससे भी कम, कुछ 2-3 हफ्तों के ही नंबर्स ऐड हुए हैं, जो कि ऑलरेडी 53 लाख पे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जब सेकेंड क्वार्टर की रिपोर्ट आएगी 2018 की, जो कि होता है अप्रैल से जून के बीच में, तब शायद गैलेक्सी S9 प्लस टॉप सेलिंग स्मार्टफोन या टॉप सेलिंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन तो बन ही जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस लिस्ट में रेडमी का नोट 5 प्रो और एसूस का जेनफोन मैक्स प्रो आएंगे या नहीं, ये आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में। मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है लिस्ट देख के कि रेडमी का 5A इस लिस्ट पर है नंबर 5 पे और काफ़ी सारे फ़ोन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो इस लिस्ट में ही नहीं है और लिस्ट पूरी तरह से एप्पल के आईफोन से डोमिनेटेड है। तो आप मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट्स में। लाइक और शेयर करिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर।